जस गोर ते मांगना शरणागना जो प्रभु की शरणागना।
हर जस गोरते हर जस गोरते हर जस गोरते मांगना गुरते मांगना सगल सरित को राया दुहिया सगल सरित को राया दुहिया हर का नाम जब्द होए सुहिया लातरोड़ी बंधन पड़े हर का नाम जब्द निकले मांगना मांगनी का हर जस गुरते मांगना लाख रोड़ी बंधन परे हर का नाम जब्द निकले अनक माया रंग तिख नाम यारे हर का नाम जब्द जय मार्ग ए ओ जाति अकेला संगे होते ऐसा नाम मन सदा आइए नानक गुरमुख परम जग नानक गुरमुख परम जग इस लई मांगे
जस गुरते मंगना, मंगना गुनाह नहीं। अपने गुरु को मंगना कोई गुनाह नहीं, अपने गुरु को लेकिन तेरी मंग दे विच ए तड़प जरूर होवे। केड़ी तड़प? कहंदे मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। दुनियावी बंदे नूं ते माया दी वी लोड़ है, पुत्रां दी वी लोड़ है, रहण लई मकान दी वी लोड़ है, कारोबार दी वी लोड़ है। ते गरीब नवाज कहंदे मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। इको चीज ही सफली है। दुनियावी गृहस्थी बंदे नूं ते पुत्र धन कारोबार मकान ये भी दातां चाहिए, लेकिन गरीब नवाज एक इशारा देंदे ने, कहंदे तेरा सिखा गुरु दे नाल एहो जिहा प्यार होवे, जदों अरदास करे ना हे गुरु नानक साहब मेरे झोली विच पुत्र दी खैर पाओ, ते अरदास दे पिछे एहो जी प्रीत होवे, नाल ए हिरदे चो निकले हे दातिया एहो जिहा पुत्र दी कि तू ना विसर जावे, नाल ए मंग होवे। जदों अरदास करे ना कोई दुनियावी भी किदे कोलो मंगना। भाई गुरदास जी की एक पंक्ति है, दास नूं पंक्ति नहीं याद, उहदे अर्थ याद ने, ते उहदे च लिखदे ने कहंदे गऊ दा बछा किसे दूजी गऊ दे थले चल जाए ते उहनूं लाती पैणी, जे अपनी मां दे थना थले जाएगा ते दुध मिलेगा। सिख ने ते इक्को अपने गुरु नानक दा आसरा लैणा, छे छे गुरु नहीं बनाउणे, एक गुरु नानक का आसरा लेना है। मैं ते तेरा हां, दूजे बन्ने जावांगे लत खावांगे, प्राप्ति नहीं। पहली गल, इन्नी क प्रीत होवे गुरु दे दर तों कोई दाज लेट होवे, गुरु नानक का दर ना छड़े। दूजी गल चल रही जिहड़ी मेन विचार, मांगना मांगण नीका, हर जस गुर ते मंगना। दुनियावी बंदे नूं दूजियां चीजां दी लोड़ ने, पर महाराज इशारा देंदे ने हे सिखा जदों कोई दुनियावी दात लई भी गुरु दे चरणां च अरदास कर रहा होवे, हे दाता जी मकान चाहीदा, कोठी चाहीदी है, पर नाल अरदास पिछे ए भी तरला होवे, दातिया इहो जी कोठी मकान ना दई कि तू विसर जावे। अज इत्थे बैठे हां, जिन्हां दे ग्रह च बैठे हैं साध संगत, अजे परसों ही इन्हां नाल पहली बारी मेल होया, परिवार नाल आखन लगे आ अमृतसर तों बाहर चले गए सां, अमृतसर तों बाहर चले गए सां, पर इथों दे कीर्तन दे दीवाना करके, गुरु रामदास दी नगरी करके किधरे चित नहीं लगा, ते अरदासां कीतियां हे सच्चे पातशाह इत्थे ही कोई मकान दे दे कि तू ना विसरे, तेरा विछोड़ा ना होवे। इनू कहंदे प्रीत दी निशानी, इनू आखदे प्रेम दी निशानी। जीना ही उहदा है जिन्हें अपने गुरु नाल प्रेम कर, ओह बाकियां दा जीना काहदा। जिन्हू प्रेम दा रंग आ गया, जिन्हू प्रीत आ गई गुरु दे नाल, जिन्हें दुनियावी दात मंगण वेले भी नाल ए तरला रखिया हे गरीब नवाज तू ना विसरे, क्यों अरदास इक अरबी है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते होंगे सन, अरदास एक अर्जी है, जे अरदास जुड़ के कीती जावे ते गुरु नानक उस अर्जी दे विचार करता है। ते कहंदे जे अर्जी दे विच मेरी दुनियावी दात ही मंगी होवे, उहनू ही ना मंगिया होवे, ते जे गुरु ही तेरे अंग संग, ते दुनियावी दातां ते तेरे लई नरकां दी अधिकारी बन जांदा, जे गुरु ही नहीं तेरे वल आख्या। ये आख्या ना की ना अपना, जिथे नाम जपिए प्रभु प्यारे से अस्थिल स्वयं चुबारे, ते जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जी, ओ मकान भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए नाल की कहंदे कित ही काम ना धौल हर जित हर विसराए। कहंदे ओ कोठी किसे काम नहीं जिदे च रहण वाले अमृत वेले नहीं जागदे,
ਉਹ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਦਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਦਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਢ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਮਾੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੜਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਫਲੀਆਂ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਓ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ
हर जस गुरु ते मांगना सिखा तेरी अरदास जिहो जिहा तरला होवे हे गरीब नवाज तू ना विसरे मेरी ते तेरे ऐसी रहमत हो जावे गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर ऐ रंग लिया दे सासू ऐसा प्यार हो गए साडी अरदास विच हे सच्चे पातशाह पूर्ण हो हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा आ मंग हो मांगना मंगन नीका हर जस गुरते मांगना आ सफली है मंग साडी मंग विच आ करला हो गए गरीब नवाज ज्यों मीना बन पानी है ज्यों मीना बिन पानी है ज्यों साकत मरे प्यास हे गरीब नवाज साडे ते असी कृपा कर दे त्यों हर बिन मरिए रे मना जो वर्था जावे साफ आ कृपा कर दे आ मन नू दुख पहुंचे जिस दिन अमृत वेला टुट जा आ मन नू दुख पहुंचे जिस दिन तेरा नितनेम रह जावे आ मन नू दुख पहुंचे जिस दिन कीर्तन दी हाजरी रह जावे ऐसी प्रीत ला दे ऐसी कृपा कर दे आ कहते ना ज्यों मीना बिन पानी है किन्नी प्रीत है एक पानी दे जीव कोलों सिखिया लो ते ओ सिखिया लैके ओहो जिहा प्यार गुरु नाल हो जावे किन्ना क प्यार ज्यों मीना बिन पानी है पानी तो बाहर कढ दे मछली नू वध तो वध अद्धा घंटा घंटा दो घंटे कटदी है तड़फ तड़फ के जान दे देंदी है तेरे बिना नहीं जिया जा इत्थे मछली ने सत्संग तड़फ तड़फ के जान दे दित्ती हुण जदों मर गई ते एक लाश है एक लोथ है लाश विच कोई होश नहीं है हुण कोई जींदा पन नहीं है लेकिन कहंदे मछली तों कुर्बान जाइए इतनी प्रीत गरीब नवाज बाणी च आखदे ने खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरे पानी इन्नी प्रीत खंड खंड कहंदे कट कट के खंड खंड दा अर्थ कट कट के उतना ते मछली खानी महा पाप है इना अंदाजा लायो एक गल आ रही है प्रीत दी ओ पॉइंट लेना की पॉइंट लेना प्रीत दा मछली ने तड़फ तड़फ के जान दे दित्ती इनी प्रीत थोड़ी खान वाला होवे जो मछली खा के रात नू सोवे सराने जल दी गडवी रखदा है क्योंकि आज मैं मच्छी खादी राती मैनू दो वारी तीन वारी प्यास लगनी है कहंदे इन्ना प्यार मच्छी नू पानी दे नाल कट कट के शक्ल चेहरा सब कुछ बदल गया एक लाश लोथ विच सवास भी नहीं ता भी कहंदे पानी नाल प्रीत नहीं छड़ी सिखा तेरी भी गुरु नानक नाल इहो जी सांझ हो खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना विसरे पानी सत्संग तै रंग लगा हो ज्यों मीना बिन पानी साडी मंग दे विच एहो जी तड़फ होवे एहो जी प्यास अमृतसर शहर दा मैं ना नहीं लैणा अमृतसर शहर विच रहण वाला गुरमुख प्यारा ए पिछे जे दी गल है चंद सालां दी गल कर रहे हां जी आ मछली वाली प्रीत आ साडे ते भी कृपा हो जाए कदों होएगी कृपा जदों साडी हर मंग दे विच ए होएगा हे गुरु नानक तू ना विसरे अमृतसर दी गल गुरमुख प्यारा जिदा तकरीबन दस पाठ सुखमनी साहब का रोज का नेम है इथों का अमृतसर का वो जिमें आखी के कोलों दर्द निकले ऑपरेशन होंदा वो पेंड जिदा के केड़ा वो एक बाहर कट देंदे हड्डी जिन्हों डाक्टर कहते भी आ फालतू है इसकी कोई अहमियत नहीं उन्होंने कट के बाहर कट दें ओ बंदा जिदा दस पाठ सुखमनी साहब का नेम सी ते जुड़िया होया गुरु नानक का दवाना ओदा ऑपरेशन होया
ਇਹ ਆਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਵੱਸ ਜੇ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਭਾ ਸਲਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜਨ, ਸੌ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਰਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਲਿਆ ਦੇ। ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣੇ
विचार हो रही है सिख दा ऐसा प्यार होवे गुरु दे नाल हिरदे चों आ मंग निकले। कथा तो तुसीं अगे भी सुनी दास फिर सुनाउंदा कई शरीर नवे बैठे होंगे तरन तारन दा दास दा कोई मित्र उन्हें दास नूं सवाल कीता कि तुसीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी इहो जी तस्वीर वेखी कोई जिहदे विच तीन चार सिख मगर होण। मैं क्या हां देखी ते है गुरुद्वारा विवेकसर भी लगी हुंदी होर कई जगह भी देखते हाँ कि गुरु साहब खड़े ने बिधी चंद मगर है बाबा बुढ़ा जी मगर ने हो भी दो तीन सिख मगर ने। वो तरन तारण का दास का मित्र आखन लगा कहन लगा गुरु साहब की तस्वीर के मगर जेड़े बाबा बुढ़ा जी ते बिधी चंद तो इलावा दो तीन सिख नजर आते ने। कहन लगा उन्हां चों एक सिख है जेड़ा जोधका जात दे नाल संबंध रखदा है। दास ने कहा तेरी गल सुनाउण दा की मकसद। आखण लगा असी उस सिख दी कुल विचों चले आ रहे हां ओ जोधका जात दे सिख दी कुल विचों। मैं कहा भागा वाला भाई ओ सिख जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहब दुनिया के मालक की सेवा की होवे कुल चो चलता आ भागा। गरीब नवाज ने कहा धन धन सो कुल माता नूं भी धन कहा पिता नूं भी धन ओ कुल नूं भी धन कहा। मैं क्या भी वड्डे भागा वाला उस कुल चो चलदा आ रहा है। उन्हें फिर दास नूं एक वचन सुनाया आखन लगा ओ जोधका जात दा सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वेले जिदी कुल चों असीं चले आ रहे हां। कहन लगा एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों प्रसन्न हो गए। एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों बहुत प्रसन्न होए। एक रस दी सेवा सी सेवा दे पिछे निष्काम भावना सी। कईयां दी सेवा पिछे कई तरह के मनोरथ होंदे एक होंदी निष्काम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते होंदे सन जो निष्काम होके सेवा करता है उहदे सारे कारज बिना कहे दे रास आ जांदे। जो निष्काम होके सेवा करता है उहदी निष्काम सेवा ते प्रीत वाली सेवा। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ओ मेरा दुनिया का मालक प्रसन्न हो गया ते पूछे सिखा तेरे ते प्रसन्न हां आज कोई मांग लिया क्योंकि मेरी विचार चल रही है मांगना मांगण नीका हर जस गुरते मांग किसले ताड़ा भी अरदास मन जुड़े बाणी च मन जुड़े आ वाहिगुरु के सिमरन च मन जुड़े। किसे वेले वैसे मालक टुट पवे ते फिर पता होवे मंगना की है। यह दास गल सुना रहे हैं कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहब वो दुनिया के मालक सारी सृष्टि के मालक बंदी छोड़ पिता दो जहान दे वाली मीरी ते पीरी दे मालक शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब प्रसन्न हो गए। कहने लगे सिखा मंग की मंगना सत्संग करनी वालियां कोलों सोझी लिया जाए जिन्हां नूं रब ने इतनी सोझी बख्शी ओए उन्हां दी सोझी चों किनका पर सोझी साडी झोली च वी पै जावे। गुरु साहिब प्रसन्न होए कहण लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्न मंग की मंगना। गुरु हरगोबिंद साहिब दे वेले दी कथा एक माई ते भी महाराज प्रसन्न होए सी। एक माई ते भी प्रसन्न होए सी आखण लगे माई मंग की मंगनी है ते माई ने भी आख्या सी दाता जे प्रसन्न होया ते इक्को चीज मंगनी है खुला वेड़ा होवे ते नूं मेरी ना सोने दी मधाणी ना लस्सी रिड़कदी होवे ते वेड़े च पोतरा खेड़दा होवे होर कुछ नहीं मंगदी। ते गुरु साहिब आखण लगे माई बड़ी चुस्त निकली है नाले कहनी वा इक्को चीज मंगनी है भी खुला वेड़ा होवे पोतरा खेड़दा होवे सोने दी मधाणी नाल नूं रस्सी रिड़कदी होवे। महाराज कहण लगे नाले कहनी है इक्को चीज चाहीदी है
हुण खुला वेड़ा दे ताई होएगा जे तेरे कोल माया होएगी, खुला मकान होएगा ते सोने दी मधाणी दे ताई होएगी के बेशुमार तेरे कोल माया होएगी। माया भी मंग ली, खुला वेड़े दा मतलब मकान भी मंग लिया, ते नूं भी मंग ली, एदा मतलब पुत्र भी तेनू लोड़ है, पुत्र भी मंग लिया, अगों पोतरा भी मंग लिया कि अगां भी चलती रहे कुल, ते भी आखनी है लस्सी रिड़कती हो दुध की कमी भी ना हो घर। पर यह तो दुनियावी वो तो करता है बख्शीशा, साचे साहबा क्या ना ही करते रे, वो तो दुनियावी चीजा दियां भी बख्शिशा करता है, कोई खाली थोड़ी रहन दिंदा है। भाव कहणदा इह ते माई ने दुनियावी चीज मंगी, पर वो सिख दी सोजी चो किनका पर सोजी साड़ी झोली। गुरु साहब कहन लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्ना मंग की मंगना, सात संगत ओदी मंग निराली की मंगया, हे सच्चे पातशाह ये मेरे ते प्रसन्न होए हो कृपा करो, जे मेरे ते टूठे हो ते कृपा करो, की मंगना है जल्दी मंग। कहन लगा जे तुठे हो ते आ कृपा करो के जिथों तक मेरी कुल चले आ गुरु घर दा वासा साडी कुल चो ना निकले। गौर नाल सोचो कितनी लंबी ते वड्डी ते अनमोल दात मंग ली, लोड़ है सोजी दी। ए रावण ने भी तो भगती कीती है, कोई माड़ा काम तो नहीं कीता। सिख गुरु हरगोबिंद साहब वेले उन्हें सेवा कीती, गुरु नूं प्रसन्न कर लिया, रावण ने भी भगती कीती सी परमात्मा नूं प्रसन्न कर लिया। पर जंदे जदों परमात्मा तुठा रावण नूं पुछया, रावण नूं मंग की मंगना ते की मंगया सी, कहण लगा मैनूं मौत जिहड़ी ना उह आवे ही ना, आ की मंग होई। इस मंग च हंकार है। हरनाकश ने भी भगती कीती, गौर करो हरनाकश ने कोई माड़ा काम थोड़ी कीता, भगती की थी, इनी भगती फिर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हरनाकश मंग की मंगना, पर सात संगत मंगण की जाच ना आई। की मंगया? कहंदा जी ना दिने मरा ना राती मरा, ना अंदर मरा ना बाहर मरा, ना सवेरे मरा ना शामी मरा, ना जमीन ते मरा ना समान ते मरा, ना पशु पंछी परिंदे कोलो मरा, ना मनुख कोलो मरा। आ मंग लिया। ये मंग च की है? हंकार है, मैनू मौत ना आवे। मंगण दी जाच सिख लईए। गुरु अर्जन देव जी वेले भी एक नाथ होया, सत्संग तो नाथ ने भी शिव जी की आराधना की सी। उस नाथ ने शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न होके दर्शन दिते, नाथ तेरी भगती तो प्रसन्ना मंग की मंगना। की मंगया? कहन लगा शिव जी जे मेरे से तुठे हो ते आ दियो भी जेड़ा मेरे दर्शन करे उन्हूं एक साल का स्वर्ग मिले, ते अपनी मर्जी नाल भावें मैं 100 साल का स्वर्ग दे देवां। सात संगत किन्ना हंकार है इस मंग विच भी जेड़ा मेरे दर्शन करे उन्हूं एक साल का स्वर्ग मिले। बिना सोजी तो मंगण दी भी जाज नहीं आती। कबीर साहब दे वेले दी भी कथा, कबीर साहब वेले भी एक जुलाहा जुलाई ते उन्हां दा पुत्र होया। वो कहते हैं कबीर का बड़ा सत्कार यार, असी भी भगती करी। ये कबीर साहब वेले साड़ी भी कई बार हालत बन जाती है, रीसा करे ते नाड़ियां जो सेवे दर खड़िया। कई बार रीस करते हैं, कहते कबीर साहब वेले भी एक जुलाहा एक जुलाई के पुत्र उन्हों का तिने, कहते कबीर का बड़ा सत्कार है, असी भी चलो घर बार छड़ के ते जंगल जाके ते भगती करते हैं ते शिव जी नूं याद करते हैं। भोले भंडारी ने बड़ी जल्दी प्रसन्न होंदे, वह भोले ने इन्ने क भोले ने। एक बारी कहिंदे इक भगत ने भगती कीती सी, शिव जी प्रसन्न हो गए, भगता मंग की मंगना, ते कहिंदे उह भगत कहण लगा जे मेरे ते तुठे हो ते आ कृपा करो, मैं जिहदे सिर ते हथ रखा वह नाल ही भस्म हो जाए। कहिंदे शिव जी कहिंदे तथा अस्तु, तेरी मंग पूरी होएगी। ते कहिंदे शिव जी दे मगर ही दौड़ पिया, पहला मैं तुहाडे सिर ते हथ रखदा हाँ। ते कहिंदे शिव जी ने एक पहाड़ी विच सिर दे के अपना बचा कीता, ते फिर विष्णु भगवान ने औरत का रूप धार के वह भगत का हथ
ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਖਾਇਆ, ਨਾਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੁਲਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਛਡਾਈ ਹੈ, ਛਡਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਨਾਈ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆ ਨਾਈ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੜ ਆਇਆ ਵਾਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਨੀਵੀਆਂ। ਘਰ ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਯੁਗ ਇਹਨੇ ਯੋਰਾ ਤੇ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੀ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰੂਪਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਵਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਚਲ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੋਰਨੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਈ।
शिवजी कहते तथास्तु कहते रथ से बैठी बैठी वह जुलाई का मूह सोरनी वर्गा बन गया ते राजे ने धक्का मार के थले लाता आ की बन गई कहते कुरकर कर दी उथे ही आ गई ते हुण शिवजी कहते पुत्र नूं तेरी वारी गई तू मंग की मंगना कहन लगा पवहान मैं की मंगा तुहाडे कोलों जिहो जी मेरी मां पहले सी उहो जी ही बना दिओ ते कहिंदे तथास्तु उहो जी बन गई भगवान लोक हो गए ते तिन्ने आखदे ने उह भगती वी कीती भगवान वी प्रसन्न कीते रहे उत्थे दे उत्थे ही क्यों ज्ञान नहीं सोझी नहीं जे उह पुठे मंगणा की है सात संगत सोझी लईए जिन्हां दे हिरदे च नाम दा किनका वसिया उह जोधका जात दा सिख की मंगिया कहन लगा हे गुरु हरगोबिंद साहब जे मेरे ते टुटे हो ते आ बात झोली च पाओ जे तुसी गंभीरता नाल सोचोगे बड़ी वड्डी दात कहन लगा जिथों तक मेरी कुल चले साडे घर चों बाणी दा वासा ना निकले गुरु घर दा वासा ना निकले ए दास नूं गल सुनाई तरन का ते जदों मैं पुछया ना मैं कहा भी तेरी गल सुनाउण दा मकसद की मैनू उन्हें दसिया भी उस सिख की कुल चो असी चले आ रहे हैं ते एक साढ़े वड्डे वडेरे सिख ने अनमोल मंग मंगी ते अज तक असी साड़ी जिनी भी कहिंदा कुल फैलीए साढ़े सारे परिवार का दो बजे का तीन बजे का चार बजे का नेम है बच्चे तो लैके ही आदत पै जाती है इस वेले जागण की एक सिख ने अनमोल मंग मंगी सात संगत साड़ी झोली च सोझी का किनका पवे कोई तुहानू नौकरी मिलन लगे ये अरदास करिया करो ओहो जी नौकरी नहीं तू ना विसरे कोई कारोबार नवा शुरू करन लगो ये अरदास करिया करो साईं तू ना विसरे कोई दुनियावी मकान कोई होर पुत्र दी दात कुछ भी मंगो नाल ए तरला होवे हे गुरु नानक तू ना विसरे जे तू विसर गया ते साडे लई परलो है साडे लई नरक ने आओ सात संगत गरीब नवाज की सिख्या दे रहे ने मंग ना मांगन हरे जस गुरु ते मांग ना मांगन हर जस गुरु ते